हेलो एवरीवन। सो अभी आज हम लोग गाइज नया कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेस्ट चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस। ओके, और ये इसका पार्ट 1, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 है, क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 2021। ओके, सो इसके पहले का जो चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 2 था, सारा का सारा अपलोडेड है। आप लोग जाइए वहां से वॉच कीजिए, ऊपर आपको आई बटन दिख रही होगी, वहां पे क्लिक करेंगे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से क्लिक करके आप लाइन वाइज फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर सारा देख सकते हो विद एक्सरसाइज। ओके, सो आप दिख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, वहां पे आप लोग क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोग को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं एकदम, तो आप पेन एंड कॉपी लेके जरूर स्टार्ट कीजिएगा। और ये चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे। नोट्स चाहिए होगा तो यहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ज्वाइन बटन में जाके वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 का जो कैन यू रिकॉल वाला क्वेश्चन है, सो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल का, तो वहां पे लिखा है इज देयर अ सिमिलैरिटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। क्या ऐसा कुछ सिमिलैरिटीज है पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में? अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऑफस्प्रिंग क्या होता है। सो ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग होता है उसका मतलब होता है नॉर्मली चाइल्ड, ठीक है, या फिर प्रोजेनी, कभी कभी ये वर्ड भी यूज होता है, ठीक है, प्रोजेनी, ठीक है। सो ऑफस्प्रिंग एंड चाइल्ड जो होता है ये नॉर्मली प्रोजेनी या फिर इन्हीं चीजों को बोलते हैं। तो इनमें यस भाई सिमिलैरिटीज होती हैं, पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं और बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज भी होती हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द रोल्स ऑफ क्रोमोजोम्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम का रोल होता है टू ट्रांसफर द जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है, जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है ना, जेनेटिक कैरेक्टर, अब इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं इनको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है क्रोमोजोम, ठीक है, और ये जेनेटिक कैरेक्टर को स्टोर भी करता है, यानी कि अपने पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है, ठीक है। मतलब देखो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहने का मीनिंग है कि लाइक आपका कैरेक्टर, लाइक आपके आईज का कलर हो गया, ठीक है, फिर आपके स्किन का कलर हो गया, ठीक है, फिर आपके स्कल स्ट्रक्चर, बॉडी का सेल का स्ट्रक्चर, सो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं इनको क्रोमोजोम अपने अंदर स्टोर रखता है, इनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है, और इन्हीं इन्फॉर्मेशन को हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक कैरेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। हाउ आर दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ आर हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस्ड। तो जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ना, ये कभी भी डिसिमिलर, ये बात एकदम याद कर लो, जो डिसिमिलर पेरेंट्स होते हैं इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो जो भी चाइल्ड या प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। कैसे? तो सपोज देखो, अगर एक पेरेंट है, पेरेंट में एक मेल है एंड एक फीमेल है, सो ये दोनों डिसिमिलर हो गए ना, मेल डिफरेंट काइंड है और फीमेल डिफरेंट काइंड है, ठीक है। सो इसके लिए इनके बीच में जब भी क्रॉस होगा तो जो भी प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग हाइब्रिड चीज बोलेंगे। अब चाहे अगर वो सीड हो तो हाइब्रिड सीड, अगर कोई चाइल्ड हो तो हाइब्रिड चाइल्ड, ठीक है, ऐसा हम लोग वर्ड यूज करते हैं। So, कभी भी हाइब्रिड सीड्स तभी प्रोड्यूस होता है जब कभी भी डिसिमिलर पेरेंट के बीच में क्रॉस होता है, ठीक है, ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि विच आर दी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, कौन कौन से क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। सो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स में मैं आप लोग को दो नाम बताऊंगा और एक नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट नाम है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, सो ये एक याद रखिए, ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स होता है। सेकंड वन है एक बहुत ही मजेदार, जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर, ये डिसीज होती है, ठीक है, ये अच्छे से आपको याद रखना है, ये होती है डिसीज, क्लाइनफेल्टर डिसीज, ठीक है। ये कैसे होती है आप लोग को पता होगा, जो नॉर्मली जिनके हम ये वर्ड यूज करते हैं, जिनके लिए यूज करते हैं वही होते हैं क्लाइनफेल्टर डिसीज, ठीक है, उनके अंदर ही होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीजें अभी आपको समझ गई होगी, ठीक है। सो ये ट्रांसजेंडर्स नॉर्मली क्लाइनफेल्टर डिसीज वाले होते हैं, उनके अंदर ये कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकते, यानी कि ये कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स है, और एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कैरेक्टर के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले फेशियल फीचर। सो फेशियल फीचर में क्या है, आप देख सकते हो कि मतलब जो कलर ऑफ स्किन है, कलर ऑफ आईज है, लिप्स का कलर या फिर लिप्स का स्ट्रक्चर, नोज का स्ट्रक्चर, आईब्रोज, सो ये होता है। फिर यहाँ पे देखो नोज एंड लिप्स में कॉम्बिनेशन, तो कभी कभी किसी किसी इंसान में ऐसा होता है, किसी में ऐसा होता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड वेल कंपेयर इट फ्रॉम दिस डायग्राम। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, मतलब अलग अलग टाइप का, मतलब ये डिपेंड नहीं होता है किसी भी इंसान के अंदर कि वो कैसे अपने अंदर का स्ट्रक्चर बनाए। ये सब के सब स्ट्रक्चर जो होती हैं, ये क्रोमोसोम के पास होती हैं। मतलब कैसे कोई सामने वाला इंसान रहेगा, वो डिपेंड करता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, यानी जो क्रोमोसोमल इंफॉर्मेशंस के ऊपर, ठीक है? सो जो क्रोमोसोम्स के पास जीन्स होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस क्रोमोसोम के अंदर होती है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो क्रोमोसोम के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, वही सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर को अपने पास स्टोर रखता है, और उसके वजह से ही हमारा स्ट्रक्चर, बॉडी का फिजिकल, इंटरनल सारी चीजें अप्लाई होती हैं और हम वैसे ही बन जाती हैं, ठीक है? चाहे वो ईयर का स्ट्रक्चर हो या फिर अपने हेयर का कलर हो, सो वो सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो हमारे जीन्स के इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड होती है, और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम के अंदर होती है, ठीक है, याद रखना। फिर देखो ये हेयर लाइन है, किसी किसी में यहाँ पे देखो ये सीधा ऐसे रहता है, किसी किसी में देखो ऐसा रहता है, ठीक है? सो याद रखना, इसको हम लोग नॉर्मली विडोज पीक बोलते हैं, ठीक है? विडोज पीक, विडो पीक बोलते हैं, जिसको देखो ये ऐसा रहता है ना ऐसा, इसको हम विडो पीक बोलते हैं। जिसको नहीं होता है तो उसे विडो पीक नहीं होता है, ठीक है? उसको प्लेन है, ठीक है? तो ये प्लेन है और ये विडो पीक वाला है, ठीक है? तो आप लोग ये भी देख के आप लोग बताओगे जरूर कमेंट बॉक्स में कि किसको विडो पीक है और किसको विडो पीक नहीं है, ठीक है? तो ये चीजें आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये नॉर्मल है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप खुद इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है? याद रखना अच्छे से, ठीक है? चलो तो अभी हम लोग आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अभी ये क्रोमोसोम कहाँ होता है, क्रोमोसोम क्या क्या कंटेन करता है, और जो अपना सेल है क्या उसके अंदर होता है। सो ये कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, जो कि हमने 9th और 10th 11th में पढ़ा था, ठीक है? चलिए तो अभी हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात कि अपने बॉडी के अंदर सेल होता है, ठीक है? मतलब अपनी बॉडी जो होती है वो ओनली एंड ओनली सेल से ही बनती है, यानी विदाउट सेल किसी भी इंसान की बॉडी नहीं बन सकती। इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल वाले, ठीक है? और अपने सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी शेप में हो सकता है, या तो सर्कुलर होगा या तो फिर राउंडेड होगा, ठीक है? कैसे भी हो सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर है, या फिर स्क्वायर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में, किसी भी शेप में अपने सेल का स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है? सो देखो मतलब यहाँ पे ये अपना एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होगा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर न्यूक्लियस के अंदर भी जाएंगे तो न्यूक्लियोलस, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? सो ये अपना है सेल, सेल के अंदर यहाँ देखो न्यूक्लियस सेल मिल गया आपने को, ये है अपना न्यूक्लियस सेल, ठीक है? ये न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस को भी हमने अगर बीच से कट किया तो अंदर हमको मिला क्रोमोसोम, ठीक है? क्या मिला? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन्स। क्या होता है? जीन्स। और जीन्स का काम होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करना, ठीक है? यानी कि सपोज पेरेंट्स है मेल एंड फीमेल, सो दोनों के अंदर जो भी कैरेक्टर होंगे ना वो चाइल्ड में आएंगे। तो कैसे आएंगे? इसी जीन्स के वजह से आएंगे, समझ गया कि नहीं? और ये जीन्स कहाँ होता है? क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है? और ये क्रोमोसोम के अंदर मतलब बोलने का मीनिंग है कि जीन्स जो होता है ना, अभी देखो मैं आपको डीप में बताता हूं। सबसे पहला ये अपना सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है? फिर ये न्यूक्लियस को मैंने निकाला बाहर, ये देखो ये आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? सो यहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं ये है अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? ये है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? मोस्टली जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम, ठीक है? और यही क्रोमोसोम के पास क्या होता है? ये क्रोमोसोम कैरी करता है डीएनए को, ठीक है? किसको कैरी करता है? ये डीएनए को। और डीएनए के अंदर होता है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसे हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है? अब आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है? आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से हम इनके बारे में रहेंगे। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग इसे 9th और 10th से भी पढ़ते आ रहे हो, तो हम बेसिक अभी क्लियर कर रहे हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ, ठीक है? सो याद रखना इन चीजों को अच्छे से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे सबसे पहले ये है सेल,
ठीक है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जाके कहीं होता है अपना यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर होता है यहाँ पे देखो क्रोमोजोम, और इस क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन्स, और जीन कैरी करता है सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, मतलब सारी इंफॉर्मेशन तो डीएनए के पास होती है बट पहुंचाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए जीन्स की हेल्प ली जाती है। सपोज कोई एक ए प्लेस है और बी प्लेस है, ए प्लेस से बी प्लेस तक किसी चीज को लेके आना है, सो उस इंफॉर्मेशन को लेके आने का काम कौन करेगा, जीन, और इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है, समझ गया कि नहीं। सो जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, इस इंफॉर्मेशन को जीन्स के थ्रू हम किसी डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यानी जीन्स नॉर्मली ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा, और जीन खुद किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर, डीएनए किसके अंदर होता है, क्रोमोजोम के अंदर, क्रोमोजोम किसके अंदर, नॉर्मली क्रोमोजोम जेनेटिक मटेरियल होता है और ये मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, सो इसे आप अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे जो ये क्रोमोजोम है, सो क्रोमोजोम के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, आपने ये स्ट्रक्चर बहुत बार देखा भी होगा। ठीक है, सो जो क्रोमोजोम है ये दो ऊपर के दो पार्ट्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। फिर इसके दो आर्म है, एक होता है पी आर्म्स, दूसरा होता है क्यू आर्म। ठीक है, याद रखना अच्छे से, जो सेंटर का पॉइंट है जिसके थ्रू ये दोनों पी एंड क्यू आर्म जो कनेक्टेड होते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, और जो गाइज यहाँ पे ये कुछ रफ फेस है, रफ सरफेस है ना, ये फिलहाल हर जगह में यही होता है, ये चारों हर जगह, यहां भी ऐसे ही होता है, वो आपको दिखाया है कि कैसे क्रोमोजोम के अंदर डीएनए भरा हुआ होता है, वो दिखाया है। इसके लिए जो डीएनए होता है ना, ये क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड मतलब आप समझ सकते हो किसी किसी के हेयर जो होते हैं वो कर्ली होते हैं, वैसे ही कुछ कर्ल्ड शेप में अपना डीएनए होता है क्रोमोजोम के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ देखो यहां पे डीएनए का शेप है कुछ ऐसे, ये क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड है, ऐसे 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 रहता है, तो ये सबके अंदर होता है, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। सो किसी ने पूछा कि डीएनए कहां होता है, तो बताना है क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम कहां, तो बोलना ये तो फिलहाल जेनेटिक मटेरियल है और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस कहां, सेल के अंदर, सेल से हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, और जो डीएनए होता है उसी के पास हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर की सारी इंफॉर्मेशन होती है, यानी हमारी बॉडी कैसे होगी, हमारे बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस कैसे होगा, हमारे बॉडी में हेयर्स के कलर, आईज के कलर, जो हमारा फेशियल स्ट्रक्चर होगा वो सब कैसे होगा, ये सब डीएनए डिफाइन करता है। ये किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो चाहे कि भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलो तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये अपना चैप्टर है। ठीक है, सो इस चैप्टर में समझते हैं सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आपने ऑलरेडी हेरिडिटी के बारे में पढ़ा होगा कि व्हाट इज हेरिडिटी, इसके बारे में पढ़ा होगा। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर और जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, यही होता है हेरिडिटी। सो हेरिडिटी ही इनहेरिटेंस है। इनहेरिट करना मतलब क्या होता है, सपोज कोई पेरेंट है आपके सामने और आप चाइल्ड हो और आप ना अपने पेरेंट जैसे सिमिलर दिखते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने पेरेंट के जो कैरेक्टर है, जो स्ट्रक्चर है, उसे इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, सो इसी प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीन्स पास होना, किसी की तरफ जाना, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, इसे ही इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मेशन कैसे होगा, हमारे बॉडी के अंदर मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है, सारे ऑर्गन्स कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इंटरनली कैसे होंगे, फिजिकली कैसे होंगे, हमारे फेशियल स्ट्रक्चर, जो बाहर का आईज का कलर, ये सारी चीजें, हेयर कलर, स्किन कलर, ये सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, और ये किसके अंदर स्टोर होती हैं, डीएनए के अंदर स्टोर होती है। ठीक है,
तो याद रखना। तो डीएनए से फिर कैसे जाएंगी, तो डीएनए से वाया जीन्स के थ्रू, जीन्स की हेल्प से ये क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, मतलब जीन की मदद से ये क्या होंगे, ट्रांसफर होते हैं। नाउ अभी मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। सो जो ये मैकेनिज्म है ना इनहेरिटेंस का, यानी कि कैसे, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज कैसे परफॉर्म होती है। आप लोग केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे सो वहां पे हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब होता है ना, मैकेनिज्म मतलब कि कोई भी चीज कैसे परफॉर्म हो रही है, हो तो गया बट कैसे हुआ, वही होता है मैकेनिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कैसे होता है ये समझना है। सो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आप नाइन्थ से समझते आ रहे हो, ग्रेगोर जोहान मेंडल, ये इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं सारे जीन्स के हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। और जेनेटिक्स का जो सबसे पहला और सबसे पहले जेनेटिक्स की जिसने स्टडी की थी, जिसके बारे में कंसेप्ट दिया था, उसे ग्रेगोर जोहान मेंडल नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इन्होंने ही इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म के बारे में बताया था। तो इन्होंने कैसे बताया, क्या इन्होंने स्टडी की ऐसी जिसकी वजह से इन्हें पता चला, तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट किस में परफॉर्म किया था, पी प्लांट में, ठीक है, पी प्लांट के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अच्छा, इससे पहले एक चीज यहाँ पे देख लो, ये देखो यहाँ पे पेरेंट्स है और पेरेंट्स देखो किस तरह यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हो गए, और यहाँ पे देखो ये चाइल्ड क्रिएट हुई है, ठीक है। सो अलग अलग कैरेक्टर वाले अलग अलग चाइल्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना, जबकि पेरेंट सेम है, ठीक है। तो अभी सपोज कोई पेरेंट तो सेम ही है, बट अगर सपोज उसके 3 से 4 चाइल्ड है, बट सारे के सारे सेम थोड़ी दिखते हैं, सब डिफरेंट दिखते हैं, सो वो कैसे होता है ये हमें समझना है। सो हर टाइम पे भाई हर एक डीएनए के पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, सारे डीएनए के पास सेम इन्फॉर्मेशन थोड़ी होती है। सो जिस डीएनए से एक बार कोई परफॉर्म हो गया, कोई चाइल्ड बन गया, सो वैसा दिखेगा, दूसरा वाला चाइल्ड के लिए दूसरा डीएनए होगा, तीसरे वाले के लिए तीसरा डीएनए होगा। सो ऐसे ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हें याद रखना आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ग्रेगोर जोहान मेंडल जो थे, इन्होंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया कि इन्होंने एक चीज विजुअलाइज की। इन्होंने क्या विजुअलाइज किया, पी प्लांट के में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट, ठीक है, जो मतलब आपने देखा भी होगा पी का प्लांट जो होता है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आगे चल के, टेंशन मत लो। तो जो पी प्लांट होता है ना, ये इन्होंने इसके बारे में विजुअलाइज किया कि जो कुछ ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स क्या है, ट्रेट्स कैरेक्टर होते हैं, कि हमारा जो आईज का कलर है, फेशियल स्ट्रक्चर, ये सब ट्रेट्स होता है, कैरेक्टर, ठीक है, ट्रेट मतलब कैरेक्टर होता है, ठीक है। सो जो इन्होंने विजुअलाइज किया कि जो ट्रेट्स होते हैं ना, ये कुछ कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं कि जो इनहेरिट ही नहीं होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो इनहेरिट नहीं होते हैं फिजिकली, यानी कि फिजिकली बाहर से ये इनहेरिट नहीं होते हैं, बट ये इंटरनली यानी कि जीन्स उनमें मॉडिफाई होता है, यानी कि जो बाहर से अगर आप देखो कि समझ लो कि ये जो फेशियल स्ट्रक्चर है, फिर आईज का कलर है, इन सब में कोई भी डिफरेंस कभी कभी नहीं आता है, ठीक है, बट बाय समथिंग, कुछ तो ऐसा है कि जो प्रेजेंट होता है गैमेट सेल के अंदर और जो ये ट्रेट्स को इनहेरिट नहीं होने देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या बताया कि वो जो समथिंग है ना, उस समथिंग को इन्होंने बताया कि वो फैक्टर होता है, और ये फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रेट और द कैरेक्टर, ठीक है, याद रखना अच्छे से। सो फैक्टर क्या होता है, आगे आपको बहुत सारी अभी डेफिनेशन पढ़नी है, एटलीस्ट आपको 10-15 डेफिनेशन पढ़नी है, डेफिनेशन हम उसे नहीं कहेंगे फिलहाल, हम उसे बेसिक कंसेप्ट कहेंगे जो इस चैप्टर में है, वही चीज आप समझ लोगे तो पूरा चैप्टर यू चिंदी हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान देना, और मैं एकदम बेसिक से आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। सो फैक्टर क्या होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैरेक्टर, कैरेक्टर कैसे बनता होगा, वो आईज के कलर कैसे बनते होंगे, वो हेयर का कलर कैसे बनता होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर, ठीक है। और इसी फैक्टर के वजह से ही कभी कभी कुछ कुछ ट्रेट्स, यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं जिसके वजह से ये ट्रेट्स बना है, वो जो कैरेक्टर होते हैं वो कभी कभी फिजिकली इनहेरिट नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये चीजें याद रखना। इसी चीज से ग्रेगोर जोहान मेंडल ने पता लगाया कि भाई वो कौन सी चीज है जो कि फिजिकली कभी कभी अपीयर नहीं होती है, तो पता चला कि वो ट्रेट्स है। तो ये ट्रेट्स किससे बनता है, कौन ये ट्रेट्स के बनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उन्हें पता चला कि जो चीज है वो समथिंग, कुछ जो चीज है उसको उन्होंने फैक्टर का नाम दिया, ठीक है, यानी कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रेट्स एंड द कैरेक्टर, ठीक है, और ये ट्रेट्स
फिजिकली कभी कभी, मतलब सेल्डमली, हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी फिजिकली क्या होता है, ये अपियर नहीं होता है किसी भी इंसान के अंदर, ठीक है। ऐसा इन्होंने मैकेनिज्म बताया इनहेरिटेंस का, ठीक है, याद रखना अच्छे से, बस इतना याद कर लो। फैक्टर मतलब क्या, जो ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेड्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट एन कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी और कुछ नहीं, सब भूल जाओ चलेगा। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, पी प्लांट के ऊपर है, मतलब पी प्लांट के ऊपर इन्होंने मैकेनिज्म अपना परफॉर्म किया था। तो अभी चलो इनके बारे में देखते हैं कुछ, पहले हम यहाँ पे पी प्लांट के बारे में समझ लेते हैं। देखो कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं, कैसे होते हैं डोमिनेंट, कुछ होते हैं रिसेसिव। आप बोलोगे ये रिसेसिव डोमिनेंट क्या है, ठीक है। सो देखो, अगर सपोज आपके पेरेंट है, पेरेंट के पास दो कैरेक्टर है, ठीक है, एक ध्यान देना स्किन कलर व्हाइट का और एक है स्किन कलर ब्लैक का, ठीक है, दोनों पेरेंट्स के पास ये दो दो कैरेक्टर है, मेल फीमेल दोनों पेरेंट के पास व्हाइट एंड ब्लैक स्किन के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर सपोज, ध्यान देना अच्छे से, अगर मैं बोलूं कि व्हाइट वाला कलर जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, और ब्लू जो यहाँ पे ब्लैक वाला कलर है वो थोड़ा सा वीक है, चलो अच्छा नहीं है मान लेता हूँ, ठीक है। सो अगर व्हाइट वाला कलर, ध्यान देना अच्छे से, व्हाइट वाला कलर किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी चाइल्ड में अगर आ गया तो हम बोलेंगे कि वो डोमिनेंट कलर है, और अगर सपोज व्हाइट वाला कलर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये रेसेसिव है। समझ गया कि नहीं, रेसेसिव मीन्स खराब टाइप का, यानी कि कोई भी कैरेक्टर्स आए ही नहीं है उस इंसान के अंदर, मतलब वो चीज आए ही नहीं है, वो दब चुके हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज आपके ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर फिर फादर और फिर आप हो, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर मैं बोलूं कि सपोज व्हाइट कलर था वो ग्रैंडफादर से, ध्यान देना अच्छे से, ग्रैंडफादर के पास व्हाइट कलर और ब्लैक कलर दोनों थी, ठीक है। सो ग्रैंडफादर ने व्हाइट कलर दे दिया, फादर में आ गया, मतलब जो ग्रैंडफादर के बाद जो उनके चाइल्ड थे, यानी कि आपके फादर, सो उनके अंदर व्हाइट कलर आ गया, ठीक है, स्किन का कलर व्हाइट हो गया, तो बट ब्लैक भी तो आना चाहिए था, बट ब्लैक नहीं आया, सो ब्लैक कलर इस टाइम पे क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, और व्हाइट कलर कौन सा हो गया, डोमिनेंट हो गया, यानी कि जो कलर हावी हो जाता है, जो कलर हमें डोमिनेट करता है, दिखता है सामने, अपीयर होता है कैरेक्टर्स में, उसे हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो नहीं दिखता है उसे रेसेसिव बोलते हैं, ठीक है। बट आगे अब चाइल्ड हुआ, उन फादर का चाइल्ड हुआ, ठीक है, सो इस फादर का जो चाइल्ड हुआ, यानी कि आप हुए, आप में ब्लैक कलर आ गया, ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, जो कलर फादर में रेसेसिव था वो कलर अब चाइल्ड में डोमिनेंट बन गया, समझ गया कि नहीं। सो ये क्या है, ये इसको अब हम क्या बोलेंगे कि ब्लैक कलर अब यहाँ पे डोमिनेंट है और जो व्हाइट कलर है ये रेसेसिव बन गया, ठीक है, हो सकता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन में वहां पे व्हाइट कलर आ जाए, समझ गया कि नहीं। सो ये होता है डोमिनेंसी एंड रेसेसिविटी, यानी कि डोमिनेंट और रेसेसिव। अब आपको समझ गया होगा कि डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है, बहुत ही बेसिक से, एक दो बार वीडियो रिवाइंड करो जरूर समझ जाएगा। आगे देखते हैं सीड का शेप। अब तो यहाँ पे पी प्लांट था, पी प्लांट में आपने जब इसे खाया होगा इस राउंड चीज को, तो कभी कभी आपको ऐसा रिंकल्ड दिखता है, रफ सरफेस, कभी कभी राउंड सरफेस दिखता है। सो जो राउंडेड है ना, देखो ये डोमिनेंट कलर होता है, और रिंकल्ड जो होता है ये रेसेसिव है, ठीक है, फिर ये कभी कभी रिंकल्ड आता है, राउंड वाला अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, फिर येल्लो आ गया, येल्लो वाला डोमिनेंट है, ग्रीन वाला क्या है, ये रेसेसिव है, फिर इन्फ्लेटेड, आप देख सकते हो इन्फ्लेटेड कुछ ऐसे, और कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड मीन्स दबा हुआ, तो देखो कैसा है यहाँ पे, तो ये होता है कंस्ट्रिक्टेड, फिर होता है ग्रीन कलर, फिर येल्लो कलर ऑफ द पी प्लांट, फिर पर्पल उसके फ्लावर का कलर, ठीक है, फिर फ्लावर का लोकेशन। तो आपको सिर्फ ना राउंडेड देखना है, ये येलो कलर देखना है, और टॉल एंड डॉर्फ में ध्यान रखना है, किसमें ध्यान रखना है, टॉल एंड डॉर्फ में, बस बाकी चीज नहीं आएगी चलेगा, ठीक है। सो आपको किसमें फोकस करना है, राउंड वाले में फोकस करना है, और रिंकल्ड में फोकस करना है, फिर येलो यानी सीड कलर में फोकस करना है, और आपको प्लांट की हाइट में फोकस करना है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। डॉर्फ मतलब होता है छोटा, और टॉल मीन्स तो टॉल ही होता है, और बाकी में आप नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इसमें 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 और इसमें इसमें इतना ध्यान रखना है, क्योंकि यही यूज होंगे मोस्टली। चलो अभी मैं ना यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखा देता हूँ। आपकी ये 9th में था आपके स्ट्रक्चर में, इसे आप याद कर लो, जिसे याद रहेगा वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। चलो सो जब यहाँ पे हम लोग अभी गैमेट्स की बात करते हैं, जब राउंड रहेगा ना, सो राउंड के लिए हम आर यूज करेंगे, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। तो ये जो यहाँ पे जो सिंबल है ना, ये सिंबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कैपिटल आर होता है ये राउंड के लिए यूज होता है, कैपिटल आर राउंड के लिए, स्मॉल आर जो है ये रिंकल्ड के लिए यूज होता है, और दोनों जो आर है ये शेप ऑफ सीड दिखाती है,
ठीक है, याद रखना अच्छे से। फिर येल्लो कलर है ये कैपिटल वाई से और ग्रीन कलर ये स्मॉल वाई से दिखाते हैं। ये ग्रीन कलर रेसेसिव है, वाई कलर डोमिनेंट है और ये दोनों क्या है, कलर ऑफ सीड है। ठीक है, फिर इतना याद कर लो। और लास्ट वाला कौन सा याद करो, टॉल है। टॉल के लिए हम कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए हम स्मॉल टी दिखाते हैं, स्मॉल टी दिखाते हैं। और ये क्या होता है, हाइट ऑफ प्लांट होता है, जिसमें से कैपिटल टी क्या है, ये क्या है अपना डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है, डॉर्फ है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम दो वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी इसे सीख लो। एक होता है होमोजाइगस और दूसरा होता है हेटेरोजाइगस। हेटेरो, देखो दोनों का मीनिंग अच्छे से समझना। होमो मतलब होता है सेम, सेम, ठीक है। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। जाइगस मींस जो यहाँ पे जाइगोट है, यानी कि आर है, ये स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है। ये होते हैं अपने क्या, जाइगोट, ठीक है। बाकी क्या आप नहीं याद करो तो आपकी मर्जी, ग्रीन येलो यहाँ पे ये सब क्या आपके ऊपर है, करो चाहे मत करो, ठीक है। बस ये तीन याद होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस अगर किसी ने बोला सो क्या होगा, सो होमोजाइगस का मतलब होता है कि जो भी प्लांट है, जो भी कैरेक्टर होंगे वो सेम शेप के होंगे। समझ गया कि नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर सपोज एक आर है सो दूसरा भी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ये क्या है, होमोजाइगस है। बट हेटरोजाइगस क्या होगा, अगर एक आर है तो दूसरा वाई होगा, ये समझो ये है हेटरोजाइगस। समझा कि नहीं, आर ये तो राउंडेड के लिए हो गया, शेप ऑफ सीड दिखाता है, बट वाई जो है ये कलर दिखाता है, तो ये क्या है, डिफरेंट जायगॉट्स है। एक कलर के लिए जायगॉट्स है और एक साइज और शेप के लिए जायगॉट है, तो ये दोनों हेटरोजाइगस हो गए। सो होमोजाइगस और हेटरोजाइगस, इन चीजों को समझ के रखना है। होमोजाइगस क्या होता है, रहेंगे शेप ऑफ सीड ही, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, रहेंगे शेप ऑफ सीड ही और दोनों क्या है, सिमिलर है। ये भी हो सकता है, ये भी होमोजाइगस है। देखो समझ गया कि नहीं, एक है राउंडेड एक है रिंकल्ड, समझ गया नहीं, कैपिटल आर है राउंडेड स्मॉल आर है रिंकल्ड, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, तो ये भी क्या है, होमोजाइगस है। बट हेटरोजाइगस कौन सा है, यहाँ पे एक दिखाता है शेप ऑफ सीड और दूसरा दिखाता है कलर, ठीक है। सो ये हो गया हेटरोजाइगस, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना, हेटरोजाइगस क्या होता है, जिसमें डिफरेंट चीजें हो, एक कोई शेप दिखाता हो तो कोई कलर या तो फिर टॉल वाला आ जाए, समझ आया कि नहीं। तो अगर सपोज ये कैपिटल टी कैपिटल टी है तो ये क्या रहेगा, होमोजाइगस रहेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या रहेगा, ये भी होमोजाइगस रहेगा, बिकॉज दोनों टॉल है, ठीक है, यानी हाइट ऑफ सीड्स दिखा रहा है या प्लांट है, हाइट दिखा रहा है, यानी कि ये होमोजाइगस है, ठीक है। बट अगर कैपिटल टी है और यहाँ पे कलर आ गया तो ये क्या रहेगा, ये हेटरोजाइगस होगा। समझ गया कि नहीं, तो ये दोनों चीजें याद रखना, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल चीज थी, आगे चल के आपको इसकी डेफिनेशन भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें ग्रेगोर जोहान मेंडेल ने बताया था, और मेंडेल ने ही इन्हें सारी चीजों को हमें अच्छे से पूरी दुनिया को बताया। तो इनके पीछे जो सक्सेस होने का राज है वो क्या था, इसे हम लोग फटाफट लाइन से देखते हैं, 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे आपको बता दिया है। सो इनके सक्सेस होने का जो मेन इंपॉर्टेंट राज था वो ये था कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को एकदम प्लान्ड तरीके से किया था, अच्छे से प्लानिंग की थी। और देखो ये होता है अपना पी प्लांट, और पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। इसका जो अपना साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम, एग्जाम में याद रखना अच्छे से, पूछ लेता है कभी कभी। तो पाइसम सटाइवम पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, चलो। और इन्होंने जो केयरफुली जितने बार भी इन्होंने प्लांट्स में रिजल्ट या फिर जो भी चीजें क्रॉसेस किए, जो भी इन्होंने उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसको केयरफुली रिकॉर्ड किया, और नंबर ऑफ प्लांट्स, उनके टाइप्स, कितने बार रिजल्ट को उस प्लांट ने एक्सप्रेस किया, उनका रेशियोज क्या था, वो सारी चीजों को इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्या किया, अच्छे से रिकॉर्ड करके रखा। दूसरी बात जो होता है कि पी प्लांट को इन्होंने चूज किया, क्योंकि पी प्लांट जो होता है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज्ड कर लेता है और उसे बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। तो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है, अपोजिट,
अपोजिट कैरेक्टर, समझ गया कि नहीं? मतलब कि बोलने का मतलब है कि सपोज पहले टॉल था और अगर अभी स्मॉल आ गया तो ये इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक है टॉल एक है डॉर्फ। स्मॉल टी मतलब डॉर्फ होता है, आपने याद किया होगा अभी दिखाया था, और कैपिटल टी मतलब टॉल होता है और दोनों हाइट ऑफ प्लांट है, ठीक है? सो याद रखना अच्छे से। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी में जो डिफरेंस है वो ये जो अपना पी प्लांट है बहुत फास्ट दिखाता है, बहुत जल्दी दिखाता है, इसके लिए इन्होंने मेंडल इसे चूज किया। दूसरी बात, ये एक ऐसा सीजनल प्लांट है कि जो हर एक 6 से 3 मंथ में फटाफट रिजल्ट देता है, यानी कि जल्दी ग्रो करता है ये पी प्लांट। मतलब अगर आप लोग सपोज वीट वगैरह अगर आप एग्रीकल्चरिंग करते हो सो आपको ये 6 मंथ में रिजल्ट देते हैं, बट ये जो पी प्लांट होता है ये ईयर में 3 से 4 times ग्रो कर जाता है और 3 से 4 times हमको रिजल्ट दे देता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंडल ने इसी पी प्लांट को चूज किया और इन्होंने इसका आंसर बताया और इसे इसके लिए इन्हें बहुत बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं क्योंकि ये बहुत ही माइंडेड थे, ठीक है? सो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है और बाकी चीजें आप यहाँ पे रीड कर लोगे खुद ही आपको समझ जाएगा। चलो अब हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई कौन कौन सी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है। बहुत सारी चीजें तो आप ऑलरेडी जानते भी हो, ठीक है? तो याद रखना अच्छे से जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला भाई कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही सीखेंगे कि जो कैरेक्टर होता है ये खुद क्या होता है। सो एक स्पेसिफिक टाइप का फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइट ऑफ स्टेम है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये कैरेक्टर होते हैं किसी भी चीज के, ये कैरेक्टर्स के अंदर आती है। फिर दूसरा है ट्रेट्स, ये ट्रेट्स क्या होता है। सो ट्रेट्स ये एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है, तभी तो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस पे हमने देखा था ट्रेट्स हमेशा इनहेरिट होता है, ठीक है? देखो कैरेक्टर क्या होता है, सपोज एक पेरेंट है ना, पेरेंट के अंदर आईज का कलर हेयर का कलर सारी चीजें है बट अभी तक उसने किसी को अपना कैरेक्टर दिया नहीं है, ठीक है? यानी कि इनहेरिट करवाया नहीं है, ठीक है? सो उसे कैरेक्टर बोलेंगे। और एक बार अगर यही कैरेक्टर इनहेरिटेड हो गया किसी भी चाइल्ड में, इसने ट्रांसफर कर दिया, सो उस ट्रांसफर्ड कैरेक्टर को हम बोलेंगे ट्रेड्स। समझ गया कि नहीं अच्छे से? सो इसीलिए जो ट्रेड्स होता है ये भी कैरेक्टर ही है, कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है कि ये एक टाइप का इनहेरिटेड कैरेक्टर है, यानी कि ये ट्रांसफर हो चुका है, किसी चाइल्ड में पहुंच चुका है, किसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा चुका है, ठीक है? और इसे हम लोग डिटेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक टॉल है फिर या ड्वार्फ है, या तो मतलब जो हाइट है तो ये भी क्या हो चुकी है, या तो टॉल होगी सामने वाले को ये तो ड्वार्फ होगी। सो ये एक टाइप का कैरेक्टर है जिसे हम लोग फिजिकली डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ये होता है ट्रेड्स, ओके? तो ये याद रखना। फिर दूसरी बात, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो फैक्टर होता है ना, सो ये फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्टर हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है? ये बात ध्यान देना, थ्रू दी गैमेट्स। गैमेट्स मतलब देखो वहां पे जो राउंडेड था जो रिंकल्ड था इन्हें हम गैमेट्स कहते हैं, ठीक है? याद रखना अच्छे से, इन्हें ही हम गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है? सो इन्हीं के थ्रू जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी पास होता है उसे हम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है? याद रखना अच्छे से, जो कि वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास होता है, ट्रांसमिशन जिसका होता है उसे हम फैक्टर कहते हैं, इस चीज को याद रखना। और ये जो फैक्टर होता है ना, ये होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि हेरिडिटी का मतलब क्या था कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। सो यही होता है फैक्टर, जो ट्रांसफर हो रहा हो, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा हो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम फैक्टर कहते हैं, ठीक है? ये चीज याद रखना, फैक्टर लाइक कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसे हम फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर ही ट्रांसफर होता है, ठीक है? याद रखना अच्छे से, ठीक है? ये एक टाइप का पार्टिकल होता है जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनहेरिटेंस। बाकी चीजें आपको याद रहेंगी। यहाँ पे आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख सकते हो, हैंड है, आईज का कलर, आईज है, हेयर है, बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर के बारे में, ट्रांसफर करके जो फैक्टर्स है, ट्रेट्स है, इनके बारे में। सो ट्रेट्स क्या होता है, इनहेरिटेड कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, स्पेसिफिक फीचर। फैक्टर्स क्या होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। ये चीजें याद रखना, ठीक है? मेंडल ने इनको बताया था।
आगे देखते हैं जीन्स, जीन्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सो हमको ऑलरेडी पता है कि जीन्स एक ऐसा पार्टिकल, ऐसा चीज है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। जैसे कि फैक्टर वहां पे रिस्पॉन्सिबल था, फैक्टर और जीन्स में फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस इतना ही डिफरेंस है कि जीन्स ट्रांसफर करने का काम करता है, जो कि ये भी इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फैक्टर खुद ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सो यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी कोई नहीं, मतलब जीन्स जिसे लेके जाता है वो होता है फैक्टर, समझ गया कि नहीं अच्छे से, बट दोनों यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर ये दोनों नहीं होंगे तो इनहेरिटेंस होएगा ही नहीं। इनहेरिटेंस मतलब क्या था, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। सो जो चीज ट्रांसफर होती है उसका नाम है फैक्टर, यानी कि कैरेक्टर, यानी कि ट्रेड्स, आप जो बोलो, और जो ट्रांसफर करता है उसका नाम है जीन्स। तो जीन्स क्या होता है, एक सेगमेंट है जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनहेरिटेंस, और ये एक्सप्रेशन करता है फॉर द कैरेक्टर, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम भी जीन्स ही करते हैं। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी ह्यूमन बींग्स में कोई कोई कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, सो ये जीन्स की वजह से होते हैं, बिकॉज उन चीजों को जीन्स एक्सप्रेस ही नहीं करता है। सो इसमें किसी की गलती नहीं होती है, ना ही किसी इंसान की, कुछ नहीं, वो जीन्स के ऊपर है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जेनेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। जीन्स किसी किसी कैरेक्टर को ट्रांसफर या फिर एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, सो वो उसके ऊपर है, ठीक है। ये किसी पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही किसी चाइल्ड के अंदर इस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ऐसा मेंडेल ने बताया था और ये ट्रू है, ठीक है, याद रखना। चलो अभी हमने देखा था कि जो डीएनए था ना, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, पर यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी एक जीन के दो दो तरीके के फॉर्म होते हैं। फॉर्म मतलब उनका दिखने का तरीका, स्ट्रक्चर, एक ही जीन के दो दो स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा कोई एक क्लोन बन गया, मैं हूं और मेरा कोई एक दूसरा एक और क्लोन आ गया, सो उसी हम क्या बोलेंगे कि हमारा ही एक दूसरा फॉर्म है ये, यानी कि हमारा ही दूसरा एक स्ट्रक्चर है, टाइप है, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे एक ये जीन है, दूसरा ये जीन है, और इसी जीन के कुछ दो टाइप है, एक यहाँ पे टाइप है, एक यहाँ पे टाइप है, सपोज, तो हम उस टाइप्स को, उस स्ट्रक्चर को अलील बोलेंगे, अलील्स, ठीक है, अलील्स ही जीन्स है, बट जीन्स मतलब अभी देखो एक ही बात है ना भैया, अगर समझ लो मेरा कोई क्लोन है तो मैं उसे इंसान ही कहूंगा, ठीक है, बट वो क्या है, मेरा क्लोन है, इसीलिए मैं उन दोनों को जीन्स ही कहूंगा, बट जीन्स का जो सामने वाला टाइप है उसे नाम दिया है अलग से अलील्स। जैसे हम अपने जो अपना दूसरा रूप, दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसे क्लोन कहते हैं, वैसे ही जीन्स के दूसरे टाइप को अलील्स कहते हैं, समझ गया कि नहीं, याद रखना। और या फिर अलिलोमॉर्फ, अलिलोमॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ये जो मॉर्फ है इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, और अलिलो मतलब का होता है कोई भी तरीका, या फिर कोई भी क्लोन, या फिर कोई दूसरा टाइप, ठीक है। तो जीन्स का जो टाइप होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, अलील। यहाँ पे जीन्स के दो टाइप है, ये जीन्स है, इसके दो टाइप है, पहला अलील वन, दूसरा अलील टू, और है पूरा जीन्स ही, जीन्स के दो टाइप है, उन टाइप्स का नाम है अलील, ना कि हम उसे जीन कहेंगे, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो ठीक है, तो अभी आपको ये सारी चीजें समझ गई होगी। नेक्स्ट है डोमिनेंट, डोमिनेंट के बारे में समझते हैं। तो जो डोमिनेंट होता है ये क्या करता है, एक ऐसा अलील है, ऐसा जीन्स है ये, अलील मतलब जीन्स, हाँ, क्योंकि अलील जीन्स का टाइप होता है, ठीक है। सो अलील एक ऐसे टाइप का अलील जो एक्सप्रेस करता है ट्रेट को इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील। समझ लो एक जीन्स है, उसके दो दो, दो क्या है, अलील है, ठीक है। सो जो डोमिनेंट क्या होता है, सपोज ए वन को उसने एक्सप्रेस कर दिया और ए टू को इसने एक्सप्रेस नहीं किया, सो जो जिसे एक्सप्रेस कर दिया वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अभी मैंने इसे डोमिनेंसी के ऊपर बताया था, कलर के बेसिस पे, व्हाइट कलर वहां पे डोमिनेंट हो गया, तो वो क्या है, अपना डोमिनेंट था, जो कि एक ऐसा अलील है। देखो अभी समझ लो, पेरेंट था उसके अंदर एक व्हाइट है और एक क्या है, ब्लैक है, तो दोनों ये क्या है, जीन्स है ना, ये दोनों जेनेटिक कैरेक्टर है जिसे जीन्स कैरी करता है, कि मैं इसे अलील कहूंगा, ये पहला अलील, दूसरा अलील, समझ गया कि नहीं। तो अगर मेरा व्हाइट वाला अलील क्या हुआ, एक्सप्रेस हो गया,
चाहे फादर में या चाइल्ड में। सो मैं उसे क्या कहूंगा, डोमिनेंट कहूंगा। समझ गया कि नहीं अच्छे से? तो ये था बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, शायद आपकी कॉलेजेस वगैरह में ना समझे टीचर्स वगैरह से, ठीक है। सो याद रखिएगा, बार बार वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, सारे लोगों को शेयर जरूर करना, ठीक है। नीचे लाइक बटन वहां जरूर प्रेस करना, ठीक है। चलो अभी हम रेसेसिव भी देख लेते हैं क्या होता है। सो रेसेसिव ऐसा होता है कि एक ऐसा टाइप है अलील का जो कि एक्सप्रेस नहीं करता है, विच डू नॉट एक्सप्रेस इन दी वेदर इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स। अगर अल्टरनेटिव प्रेजेंट भी है तभी भी वो उसे एक्सप्रेस नहीं करता है। ऐसा मोस्टली हेटरोजाइगस कंडीशन में होता है। मैंने बताया था हेटरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिनोटाइप। तो एक लैटिन वर्ड है फिनो टाइप, ठीक है, याद रखना। टाइप तो मतलब नॉर्मल टाइप है, फिनो का मतलब होता है फिजिकली, फिजिकली याद रखना अच्छे से। फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल, और दूसरा वर्ड होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप, टाइप से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो जीनो मतलब होता है ये होता है जेनेटिकली, ठीक है, याद रखना अच्छे से। जेनेटिकली जो जीन्स होते हैं इसे हम अपीयरेंस के थ्रू बाहर से देख नहीं सकते हैं, बट हम लोग फिजिकली जो चीजें होती हैं उन्हें हम लोग विजिबल होती है, उन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर सपोज आपके सामने एक माइस है, चूहा, ठीक है। सो अगर ये बाहर की स्ट्रक्चर को आप देख के कोई चीज बताते हो, सो उसका वो फिनोटाइपिक चीज है, फिनोटाइपिक इन अपीयरेंस है, बट आप क्या जीन्स के अंदर की चीजों को देख सकते हो कि अंदर क्या इसके चेंजेस है? सो उसे हम बोलते हैं जीनोटाइपिक चेंजेस या फिर जीनोटाइप। तो जो फिनोटाइप होता है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, याद रखना अच्छे से। लाइक देखो यहाँ पे ध्यान देना, टॉल है ये डॉर्फ है, इसे आप देख सकते हो, बट टॉल डॉर्फ किसके वजह से हुआ है? ये टी और टी के वजह से, स्मॉल टी टी और कैपिटल टीटी जो कि अपने गैमेट होते हैं। तो क्या हम गैमेट देख सकते हैं? नहीं। तो ये हो गए जीनोटाइपिक। तो जो टीटी है ये हो गए जीनोटाइपिक, और जो टॉल और जो डॉर्फ है ये क्या हो गए? ये अपने फिनोटाइपिक हो गए, यानी कि जो बाहर से अपियर हो सकते हैं, एक्सटर्नली जो अपियर हो सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं अपना फिनोटाइपिक चीज या फिनोटाइपिक एक्सपीयरेंस या फिर अपियरेंस, ठीक है। और जीनोटाइपिक क्या होता है? जीनोटाइपिक नॉर्मल जो अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है या फिर जेनेटिक मेकअप होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रेट। पर्टिकुलर ट्रेट लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं उन्हें ही ट्रेट कहते हैं, ठीक है। सो याद रखना अच्छे से, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, यही क्या होता है? जीनोटाइपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है होमोजाइगस हेटरोजाइगस। मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है, सो आपको मजा आया होगा पढ़ने में। होमोजाइगस मींस क्या? सेम वाले जाइगोट, लाइक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये हो गए दोनों टॉल के लिए, किसके लिए हो गए? टॉल यानी हाइट के लिए, ठीक है, हाइट, याद रखना अच्छे से। ये दोनों क्या दिखाते हैं? हाइट ऑफ दी जो भी चीजें होंगी, हाइट दिखाते हैं, ठीक है। अगर सपोज यहीं पे मैं बोल दूं कि एक राउंड है और एक रिंकल्ड है, तो ये दोनों क्या है? शेप ऑफ सीड, दोनों शेप ऑफ सीड है ना, तो ये भी हो गया होमोजाइगस। बट यहां ध्यान देना, एक है कैपिटल टी और एक है राउंडेड, तो ये क्या है? एक है हाइट और एक है शेप ऑफ सीड, तो ये हो गया हेटरोजाइगस, ठीक है। और होमोजाइगस कौन सा था? जिसमें सिमिलर चीजें थी, अंदर के गैमेट क्या रहेंगे, भले डिफरेंट ट्रेट के हो, भले एक राउंडेड और रिंकल्ड हो, बट दोनों है तो शेप ऑफ सीड है, समझ गया, तो उसे हम होमोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगस क्या होता है? प्योर होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट जो हेटरोजाइगस होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट होता है, अपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स अपोजिट, अपोजिट, ठीक है, याद रखना। लाइक एक टॉल है और एक डॉर्फ है, तो ये दोनों कितने अपोजिट हैं, इसीलिए इसे हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। बट होमोजाइगस में क्या होता है? आइडेंटिकल अलील्स होते हैं। यहाँ पे देखो ये टॉल और ये जो स्मॉल टॉल है ना, ये दोनों अलील है, ठीक है, याद रखना। गैमेट्स है, इन्हें हम गैमेट्स भी कहते हैं, भाई जीन्स ही है ना, गैमेट्स के अंदर ही तो जीन्स होता है, तो एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है? अलील भी है, ये जीन्स भी है, यही क्या है? गैमेट भी है। आपको सारी चीजें यही समझना है, ठीक है। तो जैसे कि कोई जीन्स था तो एक टाइप हो गया कैपिटल टी का, एक टाइप हो गया स्मॉल टी का, यानी है तो दोनों अलील ही, तो यहाँ पे आइडेंटिकल अलील होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हेटरोजाइगस में अपोजिट अलील होते हैं, अलील वैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी और ये राउंडेड है, ये दोनों तो अलील है ना, दोनों के दोनों ही अलील्स हैं किसी ना किसी जीन्स के, और जीन्स होते हैं गैमेट्स के अंदर, यानी कि ये गैमेट्स क्या है?
एक अलग अलग टाइप के हैं, इसीलिए हो गया हेटरोजाइगस यानी डिफरेंट गैमेट्स, ठीक है, याद रखना। फिर होता है प्योर लाइन। प्योर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है क्या होता है प्योर वर्ड, अभी आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। सो प्योर लाइन क्या होता है ये समझते हैं। एक कोई भी इंडिविजुअल, ध्यान देना अच्छे से, कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, विच इज होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर ट्रेट। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या बोला मैंने, सपोज एक आपके यहाँ पे एरिया है और उस एरिए में सारे इंसान रहते हैं और उस इंसान से जितने भी चाइल्ड होंगे वो सब के सब इंसान से ही होंगे ना, यानी कि यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग हुई है, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग, याद रखना अच्छे से। और सबके सब एक ही लाइन के है, यानी कि ह्यूमन बींग्स की लाइन के, यानी कि वो पूरी जो चाइल्ड है, जो जनरेशन है, वो प्योर लाइन की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ह्यूमन बीइंग आ गया और एक हॉर्स आ गया, ठीक है, दोनों से जो भी हुआ वो दूसरा वाला जो एक इंसान दिखता है हाफ हॉर्स हाफ ह्यूमन बीइंग, सो वैसा नहीं है। अगर वैसा होता तो वो प्योर लाइन का नहीं होता, बट प्योर लाइन का कौन है, हम सब प्योर लाइन के हैं, जैसे कि हम में सिर्फ मेल एंड फीमेल के कॉम्बिनेशन से ही हम क्रिएट होते हैं, यानी कि हमारी जो लाइन है वो प्योर है, ठीक है। सो एक या तो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसके पास होमोजाइगस, होमोजाइगस या फिर ट्रू ब्रीडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर वन और मोर ट्रेट्स के थ्रू होती है उसे हम प्योर लाइन का जनरेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से। सो अभी तक जो भी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, होमोजाइगस हेटरोजाइगस और भी फिनोटाइप जीनोटाइप, तो इनके बारे में थोड़ा सा क्रॉस के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है, याद रखना। ये जो आपको एक्टिविटी दिख रही है ना, आपको पता भी नहीं होगा कि ये कहाँ से है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बट सोचो ये आपके 9th स्टैंडर्ड की एक्टिविटी है, मैं इसे दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। चलो तो ध्यान देते हैं अच्छे से। सपोज एक टॉल ले लिया मैंने और एक डॉर्फ ले लिया, ठीक है, तो ये जो टॉल डॉर्फ क्या होता है, ये तो फिनोटाइप होता है, एक्सटर्नली अपीयरेंस होता है। फिर जीनोटाइप यहाँ पे हो गया, तो टॉल का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। हमेशा याद रखना जो जायगॉट होता है ना वो 2N का होता है, यानी कि उसके अंदर कितने क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम हो गए, ठीक है, याद रखना अच्छे से, यानी कि 23 एक और 23 दूसरा, एक जायगॉट के अंदर ऐसा होता है, यानी इसीलिए यहाँ पे कैपिटल टी दो बार आया है। फिर ड्वार्फ के लिए क्या होगा, सो एक बार यहाँ पे देखो दो बार टीटी आ जाएगा। फिर हमको पता है कि जो गैमेट होता है, गैमेट्स क्या होते हैं, वो सिंगल 23 क्रोमोजोम यानी सिंगल एन वाले होते हैं, अगर 2N भी रहेगा सो वह एन एन करके क्या बन जाएंगे, जायगॉट बन जाएंगे। यहाँ पे देखो ये 2N क्या था, ये था अपना जायगॉट, ठीक है, और ये जो एन एन है ये क्या है, अपने गैमेट जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमें गैमेट्स चाहिए सो दो टी से हम एक सिंगल टी ले लेंगे और यहाँ भी एक सिंगल टी ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, तो बनी बात है आप समझ सकते हो ऐसे ही अपने अंदर भी क्रॉसिंग होती है, सो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ठीक है। सो और यहाँ पे अब क्या बन गया, एक जनरेशन बन गई, क्या बन गया यहाँ पे, एक जनरेशन। यहाँ पे देखो क्या था, ये थी पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट था, और यहाँ पे क्या बना, ये चाइल्ड बन गया। सो इस जनरेशन को हम क्या बोलेंगे कि अभी भाई पहली जनरेशन है ना, तो फर्स्ट जनरेशन है, इसीलिए इसका नाम होगा फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या नाम होगा इसका, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, इसे याद रखना अच्छे से। अभी हम यहीं तक देखेंगे, इसके बाद आगे का जो है जनरेशन F1 वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है उसे हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो फिनोटाइप क्या था, जो कि टॉल डॉर्फ, जीनोटाइप उसी के जीन्स के फॉर्म में लिख देना, गैमेट्स उनसे एक एक गैमेट्स निकाल लेना, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो पहला क्रॉस यहाँ पे हुआ है उस क्रॉस के थ्रू जो मिला उसे फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिड मीन्स क्रॉस होता है, दो लोग के बीच में जो क्रॉस होता है उसे हाइब्रिड कहते हैं, पहले ही बताया था। अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्या होता है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड जो होता है ना, यहाँ पे ध्यान देना, इट इज अ हेटरोजाइगस फॉर वन ट्रेट एंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट। समझ गया कि नहीं, ये क्रॉस की वजह से होता है, पेरेंट इन अ सिंगल पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक एक वर्ड को डिकोड करते हैं, सिंगल पेयर बोला है, सिंगल पेयर,
ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल के रखा है. कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स अपोजिट अपोजिट कैरेक्टर. ठीक है. सो एक हो गया ये देखो सिंगल पेयर और एक हो गया ये देखो सिंगल पेयर. दोनों सिंगल पेयर है कि नहीं है? ये दोनों सिंगल पेयर है कि नहीं है? ये एक फर्स्ट पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया. बट यहाँ पे क्या है, ये टॉल है ये एक कैरेक्टर और इसी के अपोजिट ये हो गया डॉर्फ, ये हो गया डॉर्फ. तो ये दोनों कैसे है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना. तो सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और इन दोनों के बीच में जो क्रॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड. ठीक है. यानी कि जो भी ट्रेट्स क्रिएट होंगे, जो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी उसे, अभी देखो यहाँ पे जो बनेगा वो हेट्रोजाइगस बनेगा ना, ये देखो हेट्रोजाइगस क्रिएट होगा यहाँ पे. ठीक है. सो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम इसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड. ठीक है, याद रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और फिर इसी के बाद पहली जनरेशन बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. यानी कि इट इज रिफर्ड, जो यहाँ पे ध्यान देना, रिफर्स टू फर्स्ट फिलियल जनरेशन, बता भी दिया मैंने. और इट कंजिस्ट ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंटल क्रॉस. इस सारे ऑफस्प्रिंग को अपने पास स्टोर करता है, कंजिस्ट करता है. ठीक है, तो याद रखना. आगे देखते हैं F2 यानी सेकंड फिलियल जनरेशन के बारे में. सो सेकंड फिलियल जनरेशन पढ़ने से पहले फिर से क्रॉस में आ जाते हैं हम. और देखो ये था अपना फर्स्ट फिलियल जनरेशन. अब इस फर्स्ट फिलियल जनरेशन में अपने को मिला टॉल, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल. अब देखो अगर ये टॉल बन गया इसका मतलब कि कैपिटल टी है, ये क्या हो गया यहाँ पे डोमिनेंट हो गया. समझ गया कि नहीं अच्छे से, क्योंकि तभी तो टॉल आया, तभी यहाँ पे टॉल बन गया. सपोज ऐसा मान लो आप. ठीक है, ध्यान देना अच्छे से. अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी को हमको क्या चाहिए, सेकंड फिलियल जनरेशन चाहिए. जब यानी कि अपना नेक्स्ट की जनरेशन चाहिए, पहली जनरेशन के बाद भी और वाली जनरेशन चाहिए. सो हम क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मिला था चीज उसका ही हम सेल्फ क्रॉस कर देंगे. यहाँ पे तो पेरेंट था स्मॉल टी से, तो यहाँ पे तो ठीक भाई क्रॉस हुआ, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी है. सो हम इसको क्या कर देंगे, वापस से खुद में ही सेल्फ कर देंगे. समझ गया कि नहीं. तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि सपोज देखो यहाँ पे कितना, मतलब अगर इंसानों की लैंग्वेज में मैं अगर बात करूं तो सपोज एक पेरेंट है और यहाँ पे पेरेंट से सपोज यहाँ पे देखो जो पहली जनरेशन आई, यानी कि सपोज एक यहाँ पे मेल जनरेशन और इसी से सेम फीमेल जनरेशन, यानी ब्रदर एंड सिस्टर, इन्हीं में क्रॉस हो गया. सो क्या क्रिएट होगा, उसे हम क्या बोलते सेकंड फिलियल जनरेशन. समझ आया कि नहीं. यानी कि एक ही पेरेंट के नेक्स्ट जनरेशन, कुछ ऐसा समझो पी प्लांट के अंदर. ठीक है, वो तो भाई प्लांट है, यहां तो इंसान से, यहां इमोशंस है, सारी चीजें फीलिंग्स है. ठीक है, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड वेल. ओके, सो यहां पे क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन अभी समझते हैं. हमने देखो खुद में ही दो बार क्रॉस कर दिया, टॉल टॉल खुद में ही क्रॉस कर दिया. सो जब हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, देखो पहला हमने टीटी ले लिया, यानी खुद ही ये पेरेंट बन गया, यानी कि यहाँ पे जैसे ये खुद ही पेरेंट बन गया. ठीक है, याद रखना अच्छे से. ठीक है, सो चलो, तो पहला टी से कैपिटल टी स्मॉल टी दो यहाँ पे पेरेंट मिले, गैमेट मिलेंगे. फिर दूसरे से भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे. तो यहाँ पे देखो ये बन गए मेल गैमेट और यहाँ पे आ गया फीमेल गैमेट. ठीक है, फिर आगे हम भरेंगे ये क्या होता है, आगे सब पढ़ेंगे. बस इतना आप याद रखिए, फर्स्ट फिलियल जनरेशन के बाद खुद में सेल्फिंग होती है. सेल्फिंग मतलब खुद में ही क्रॉस होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन का, उससे बनते हैं जीनोटाइप सिमिलर वे में और उससे बनते हैं गैमेट. और फिर से जो क्रॉस होके जो रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा अपने को, जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम बोलेंगे सेकंड फिलियल जनरेशन. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है. सो यहाँ पे देख लो, अभी आपको मिलेगा ये है अपना सेकंड फिलियल जनरेशन, जो कि सेकंड फिलियल जनरेशन एक ऐसी प्रोजेनी है जो कि प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग, यानी इन ब्रीडिंग, खुद में ही ब्रीड करना. ठीक है, इन ब्रीडिंग ऑफ F1 जनरेशन, जो भी F1 जनरेशन में जो भी चीजें क्रिएट हुई है, जो भी चाइल्ड बने हैं, उनमें वो खुद ही चाइल्ड अपने में ही क्या कर लिए, अपना ब्रीडिंग कर लिए, और जो उससे प्रोड्यूस हुआ ऑफस्प्रिंग उसे हम बोलेंगे सेकंड फिलियल जनरेशन. अब आपको सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, फिर ये जो सेकंड फिलियल जनरेशन है इसे हम दिखाते हैं एक बॉक्स में, जिस बॉक्स का नाम है पनेट स्क्वायर या चेकर बॉक्स. ठीक है, याद रखना अच्छे से. और इसी चेकर बॉक्स के अंदर हम क्या रखते हैं, अपने सारे जनरेशंस को. ठीक है, तो चलो अभी फटाफट हम इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं. तो यहाँ पे
हमने देखा था ये गैमेट्स थे, मेल एंड फीमेल गैमेट सेल्फिंग करने के बाद, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, पहला और ये देखो दूसरा, ये कैपिटल टी ठीक है, देखो फिर यहाँ पे देखो ये और यहाँ वापिस से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी क्या बनेगा स्मॉल टी। तो जो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, जो ये चीज क्रिएट हुई है और जो ये चीज है, जो ये चीज है, ये सब के सब यानी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है टॉल है, और स्मॉल टी क्या है, ये है अपना डॉर्फ, ठीक है याद रखना। सो ये कौन सा कैरेक्टर बन गया, ये है डोमिनेंट, और ये कौन सा बन गया, ये है रेसेसिव, ठीक है ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये चीजें आपको अच्छे से समझ के रखनी है, ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक डॉर्फ आएगा और इतने सारे टॉल बनेंगे, ठीक है। सो ये ऐसी कुछ यहां पे प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो जाती है जो कि हमें इसे अच्छे से समझ के रखना है। फिर आगे हम अभी समझते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मोस्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस क्रोमोजोम के बारे में, होमोलोगस क्रोमोजोम इसके बारे में समझते हैं। होमोलोगस क्रोमोजोम, होमो का मतलब होता है सिमिलर, लोगस मींस होता है पेयर, ठीक है। सो यानी कि सिमिलर पेयर में, कैसा सिमिलर पेयर, ठीक है, यानी कि अगर सपोज एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो ये क्या हो गया फीमेल क्रोमोजोम, फीमेल होमोलोगस क्रोमोजोम, और एक्स वाई अगर है तो ये क्या हो गया हेटरोलोगस क्रोमोजोम, समझ गया कि नहीं। सो ये हो गया हेटरोलोगस क्रोमोजोम, ये हो गया होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। सो इन चीजों को याद रखना है। सो जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं वो ऐसे पेयर है जो सेम सेम होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जेनेटिकली भी सेम होते हैं, बाकी सारी आइडेंटिकल चीजें इनके अंदर होती है, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर सिमिलर, ठीक है। सो यहां पे इनका मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मींस स्ट्रक्चर होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली भी और स्ट्रक्चरली भी और ये एसेंशियली भी, यानी कि एसेंशियल भी सिमिलर टाइप के होते हैं, ठीक है। एसेंशियली आइडेंटिकल क्रोमोजोम होता है प्रेजेंट इन द डिप्लॉइड सेल कॉल्ड एज क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। फिर यहां पे दो टाइप के क्रॉस होते हैं, दो टाइप के क्रॉस है, एक का नाम है बैक क्रॉस, एक का नाम है टेस्ट क्रॉस, इसके बारे में हम बाद में डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंटली डीप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो अभी हम यहाँ पे इनके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, ओके। चलिए ध्यान से आप लोग को इन चीजों को समझना है, ठीक है। तो देखो जो टेस्ट क्रॉस होता है, F1 जनरेशन जो हमें मिला था ना वो वापिस से बैक, देखो हमने क्या सीखा था कि पहले यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी था, इससे मिला कैपिटल टी, इससे मिला हमको स्मॉल टी, इनका क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। फिर इन दोनों ने खुद में सेल्फिंग की, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें मिला हमें कैपिटल टी स्मॉल टी और इनमें भी मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों ने खुद में क्रॉस किया जिससे हमें मिली सेकंड फिलियल जनरेशन वो पनेट स्क्वायर में, ठीक है। बट अब यहाँ पे बैक क्रॉस क्या है, बैक मीन्स वापस, देखो तो ये जो जनरेशन बनी ना, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ये अपने पेरेंट्स के साथ ही यहाँ पे क्या किया, इसने क्रॉस कर लिया, समझ गया कि नहीं। सो जो भी इससे मिलेगा उसे हम बोलेंगे बैक क्रॉस, समझ गया। ऐसा भी मेंडल ने पी प्लांट में परफॉर्म किया, ठीक है याद रखना। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये समझना, ये भी सिमिलर है, ये टेस्ट क्रॉस में भी क्या होता है, ये जो चाइल्ड बनते हैं ये अपने पेरेंट्स के साथ ही क्रॉस करते हैं, बट इनमें एक कंडीशन होती है, ये वही पेरेंट के साथ क्रॉस किया जो कि होमोजाइगस होते हैं, समझ गया कि नहीं। अच्छे से ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। सो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस सिमिलर काइंड है, यानी कि सेम काइंड होता है दोनों का, ठीक है। टेस्ट क्रॉस भी सिमिलर काइंड टू बैक क्रॉस, बट डिफरेंस इज ओनली देयर इज कि जिस भी पेरेंट से वो प्रोजेनी F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी होगी, जिससे भी वो क्रॉस करेगी, वो होमोजाइगस पेरेंट होना चाहिए, और वो भी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट होना चाहिए, समझ गया कि नहीं, ये बात ध्यान रखना। सो अगर कभी भी किसी में टेस्ट क्रॉस होता है सो वो होमोजाइगस प्लस रिसेसिव पेरेंट होगा, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि टेस्ट क्रॉस हमेशा उसी पेरेंट से बैक क्रॉस करता है जो कि होमोजाइगस रिसेसिव होता है, और बैक क्रॉस मतलब क्या कि जस्ट कोई भी प्रोजेनी किसी भी पेरेंट के साथ बैकली बैक होके रिटर्न होके क्रॉस कर ले, समझ गया कि नहीं, उसे बैक क्रॉस कहते हैं।
सो यहाँ तक हमने बहुत ही बेस्ट तरीके से बहुत ही सारी चीजें देखी। मेरे हिसाब से जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा बन चुका है, सो अभी हमें यहाँ पे पॉज करना चाहिए और इसके बाद हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीनोटाइपिक रेशियो, फिर हम लोग देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो, हम लोग देखेंगे सारे मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट के लॉज थे उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में जल्दी ही। प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, थम्स अप जरूर कीजिएगा। आप लोग के नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब बटन रेड में लिखी होगी, वहां पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करिए सारे लेक्चर्स के बारे में, ठीक है, फ्रीली सारे लोग पढ़ सके, जिससे सबका फायदा हो, आपका भी फायदा हो। सो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे नोट्स ले सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।